हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। आई वेलकम यू बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। तो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज इन हिंदी, एंड ये जो वीडियो सीरीज है वो बिगिनर्स के लिए है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन किए थे, तो मैंने दो टॉपिक कवर किए थे, सिंपल इफ और इफ एल्स, एंड मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। इस वीडियो में हम दो रिमेनिंग जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें थर्ड वन है नेस्टेड इफ एंड फोर्थ वन इज एल्स इफ लैडर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इफ एल्स का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। और अगेन, पहले हम इन दोनों टॉपिक्स को थियोरेटिकली पढ़ेंगे एंड देन ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। एंड दीज आर माई डिटेल्स फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड एनी प्रॉब्लम इफ यू फेस, तो आप इनसे इन डिटेल्स के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले नेस्टेड इफ को समझते हैं। तो अब देखो, नेस्टेड इफ का सिंटेक्स आपके सामने है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको एल्स इफ लैडर का सिंटेक्स एक्सप्लेन करूंगा, एंड फिर दोनों से रिलेटेड हम प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे। तो सिंटेक्स मतलब रूल्स। तो जो नेस्टेड इफ का रूल है वो आपके सामने है। देखो, सबसे पहले इफ कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है तो ये इसका ट्रू ब्लॉक, इफ कंडीशन का ट्रू ब्लॉक। और अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो ये इसका फॉल्स ब्लॉक। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इफ कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है और फॉल्स होती है तो क्या होता है। बट कई बार ऐसे सिचुएशन आती है कि एक इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो हम उस ट्रू पार्ट के अंदर एक और इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो वो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो इफ कंडीशन थी आउटर वाली, सबसे पहली इफ कंडीशन, उसके कर्ली बेसिस के अंदर हमने इफ एल्स का एक और ब्लॉक बना रखा है। तो पहली इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली सेकेंड इफ कंडीशन पर जाएगा। अगर वो ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक रन होगा, अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक रन हो जाएगा। और अगर सबसे पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली अपन इस लास्ट वाले एल्स ब्लॉक पर आएंगे जो कि रन हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ कंडीशन के ट्रू होने पर एक और इफ कंडीशन अप्लाई करना इज नोन एज नेस्टेड इफ। ठीक है, और ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं आपको एक ही प्रोग्राम को नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर दोनों तरीके से इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। तो अगर एल्स इफ लैडर का सिंटेक्स अगर हम देखें तो यहां भी इफ कंडीशन है, ये इसका ट्रू पार्ट, और ये इस इफ कंडीशन का फॉल्स पार्ट जो कि एल्स में लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इफ कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, बट अगर पहली इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में हमने एक और इफ कंडीशन अप्लाई की, और ये उसका ट्रू पार्ट और ये उसका फॉल्स पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इफ कंडीशन के ट्रू होने पर भी इफ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू नेस्टेड इफ जो कि पिछले सिंटेक्स में देखा, और इफ कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक और इफ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें इफ कंडीशन के ट्रू होने पर भी इफ और इफ कंडीशन के फॉल्स होने पर मतलब एल्स पार्ट में भी आपने इफ अप्लाई किया। तो नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर को मर्ज करके भी एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको थियोरेटिकली नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर एक्सप्लेन किया। तो अब अपना पहला एग्जाम्पल पिक करते हैं, चेक अ नंबर फॉर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो अब चलते हैं कंपाइलर के पास, सबसे पहले एक कमेंट लिखते हैं, चेक पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो इसी सेम प्रोग्राम को हम नेस्टेड इफ से भी इंप्लीमेंट करेंगे और एल्स इफ लैडर के थ्रू भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया, उसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया क्योंकि यूजर से एक ही नंबर रीड कराना है जिसको कि चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, तो यूजर एक नंबर इनपुट कराएगा तो उसके लिए हमें स्कैन एफ लिखना पड़ेगा। तो स्कैन एफ परसेंट डी एम्परसेंट एन, तो इस तरीके से जो इनपुट नंबर है वो एन वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हमें नेस्टेड इफ अप्लाई करना है या फिर एल्स इफ लैडर अप्लाई करना है जिसके थ्रू हम ये पता लगा पाए कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर जीरो। तो पहले ट्राई करते हैं नेस्टेड इफ।
पहले ट्राई करते हैं नेस्टेड इफ, फिर नेस्टेड इफ को रिप्लेस करेंगे else if ladder से. तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं n greater than equals to zero, ठीक है. फिर इसका else पार्ट लिख दिया, तो ये अपना ब्लॉक. अब देखो अगर नंबर जीरो के इक्वल है या ग्रेटर है तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा. जो लाइन नंबर 10 पर इफ लिखा हुआ है ये दो केसेस में ट्रू होगा, या तो नंबर जीरो है या फिर वो जीरो से बड़ा है. बट अब हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जीरो है या जीरो से बड़ा है. लेकिन ये पता है कि वो जीरो या उससे बड़ा है. तो जैसे ही इफ कंडीशन उस केस में ट्रू होगा तो हम इफ के अंदर एंटर करेंगे और एक और इफ अप्लाई कर देंगे. तो अब यहां पर चेक किया कि नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं लिख रहा हूं नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है. और अगर ये फॉल्स होती है तो हम लिख सकते हैं बैक स्लैश एन नंबर इज जीरो, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये जब इफ कंडीशन टेस्ट हो रहा होगा तो उससे पहले ये इफ कंडीशन ट्रू हो चुकी है और वो सिर्फ दो ही केस में ट्रू होगी कि नंबर या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है. तो हमें यहाँ पर दो ही चीजें चेक करनी थी कि नंबर जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है, ठीक है. अब थर्ड केस आता है नेगेटिव का, कि अगर नंबर नेगेटिव है तो ये इफ कंडीशन फॉल्स. तो हम इस इफ एल्स को रन नहीं कर रहे होंगे, मतलब ये जो पहला इफ कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा और कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस एल्स के पास. और इस एल्स में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और जीरो यहां चेक होगा. अगर वो ट्रू है तो वो इन दोनों के थ्रू प्रिंट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचता है नेगेटिव, तो उसको हमने यहां पर चेक कर लिया. तो जब आपके पास तीन सिचुएशन है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में हमने सिर्फ दो ही सिचुएशन को चेक किया था, ट्रू और फॉल्स, ठीक है. अभी हमारे पास तीन सिचुएशन है कि नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. तो जब भी तीन या उससे ज्यादा केसेस होंगे तो या तो आपको नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा या फिर एल्स इफ लैडर. तो ये पूरा प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो चुका है, अब इसको रन करके देखते हैं. तो पहले मैं नेगेटिव वैल्यू एंटर कर रहा हूं, तो इसने प्रिंट किया नंबर इज नेगेटिव. फिर से रन किया मैंने इसको और मैंने एंटर किया जीरो, तो ये प्रिंट कर रहा है नंबर इज जीरो. और अगर फिर से रन किया और मैं एंटर करता हूँ 9, तो ये प्रिंट कर रहा है नंबर इज पॉजिटिव. तो हर केस में प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है. तो ये तो था नेस्टेड इफ. अब इसको तो हटा देते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं एल्स इफ. तो उसके लिए लिखा n ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो डायरेक्टली प्रिंट कर दिया नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है. सिर्फ एक केस लगाया कि अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, ये श्योर है, यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो हमने प्रिंट कर दिया कि नंबर इज पॉजिटिव. अगर ऐसा नहीं होता तो हम एल्स के पास गए, ठीक है. अब एल्स के पास गए तो एल्स के पास दो सिचुएशन और बचती है कि नंबर जीरो हो सकता है या फिर नंबर नेगेटिव हो सकता है. तो हमने लिखा इफ एन लेस देन जीरो, तो हमने प्रिंट करा दिया नंबर इज नेगेटिव, ठीक है. अब ये वाली इफ कंडीशन भी तो फॉल्स हो सकती है कि नंबर नेगेटिव नहीं है, तो फिर से एल्स लगाओ. अब हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचता है जीरो वाला, तो अब हमें आगे एक और इफ लगाने की जरूरत नहीं है. जब हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रिंट इफ नंबर इज जीरो, ठीक है. तो अगर पहला इफ ट्रू हुआ तो ये प्रिंट एफ रन हो जाएगा और आगे वाला कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगा. बट अगर ये इफ फॉल्स है तो एल्स पर जाएंगे, उसके बाद एक और इफ लिखा, फिर इफ चेक होगा, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट एफ चलेगा, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एल्स चलेगा और ये प्रिंट करेगा नंबर इज जीरो. तो इस तरीके से आप एल्स इफ लैडर, लैडर मतलब एक सीढ़ी हम बना रहे हैं. तो एक एक करके स्टेप चेक होते जा रहे हैं, जहां पर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लास्ट वाला जो एल्स है वो रखें. तो इस तरीके से हम एल्स इफ लैडर को इंप्लीमेंट करें. तो आई होप कि आपको दोनों का इंप्लीमेंटेशन एक ही प्रोग्राम के थ्रू समझ में आ गया. तो अब आपको जो भी इजी लगता है वो यूज करें, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको
किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नेस्टेड इफ यूज करना है या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए else if लगाना, तो दोनों में जो इजी लगे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब है फाइंड आउट मैक्स अमंग थ्री नंबर्स। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको लॉजिकल एंड और का यूज करना बताऊंगा उसी प्रोग्राम के अंदर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो नंबर में से मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, अब हम थ्री नंबर में से मैक्सिमम निकालेंगे। तो इसको तो करते हैं इरेज, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एबीसी, तो प्रिंट एफ ये मैसेज प्रिंट करेगा, एन एफ परसेंटी तीन बार लिखना पड़ेगा क्योंकि तीन वेरिएबल हैं, और एबीसी तीनों वेरिएबल में तीन अलग अलग वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। अब हमें अप्लाई करना है कंडीशन टेस्टिंग, तो अब चेक करते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी। तो अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों में से ए बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है तो हमें ए को किससे और चेक करना है, सी से। तो हम इस इफ के ट्रू होने पर एक और इफ अप्लाई करते हैं, ठीक। तो उसमें मैंने लिखा ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब अगर ये ट्रू हो जाता है तो मैं प्रिंट कर रहा हूं ए इज मैक्स, एल्स में प्रिंट कर देते हैं सी इज मैक्स, ठीक है। फिर यहां पे एल्स ब्लॉक आएगा, पहले इस इफ के ट्रू ब्लॉक को समझते हैं। तो फिर से देखते हैं ए बी अगर कंपेयर करते हैं तो आप यहां पे वैल्यूज और पुट करा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए है 5, बी है 2 एंड सी है 6, ठीक है। तो अब देखो ए ग्रेटर देन बी, कंपेयर करो, ए 5 है बी 2 है, कंडीशन ट्रू, तो अपन अंदर आ जाएंगे। अब हमने चेक किया ए को सी से, तो ए है 5 सी है 6, तो कंडीशन फॉल्स हो गया और हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया सी इज मैक्स। तो अब आप यहां पे बोलेंगे कि हमने सी को बी से तो कंपेयर ही नहीं कराया, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये देखो हमने ए को बी से कंपेयर कराया और दोनों में कौन बड़ा है, ए, और फिर ए से कौन बड़ा है, सी। तो क्या सी ऑटोमेटिकली बी से बड़ा नहीं हो जाएगा, होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है और ए से सी बड़ा है, तो सी ऑटोमेटिकली बी से बड़ा होगा ही होगा, तो हमें उसको चेक कराने की जरूरत नहीं है, वो एल्स में यहाँ प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि सी इज मैक्स। अब अगर सी होता 4, तो देखो ए बी से बड़ा है क्योंकि 5 2 से बड़ा होता है, और यहां चेक किया ए ग्रेटर देन सी, तो ए सी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ए। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ को यहाँ यूज कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसमें मैं एल्स इफ भी यूज करूंगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि दोनों को एक ही प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो, तो वो आए आप यहां देखेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी से बड़ा ना हो, मान लो बी 12 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो दोनों में कौन बड़ा हुआ, बी, तो ये इफ फॉल्स हुआ, तो हम गए एल्स पर। तो इस एल्स तक बी बड़ा है ए से, बट बी को किससे और चेक करना है, सी से, तो सेम इफ एल्स यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा और इन वैल्यूज को चेंज कर दो। अभी बी को सी से कंपेयर कराओ, अगर बी सी से बड़ा है तो बी इज मैक्स, अदरवाइज सी इज मैक्स। तो जैसा हमने यहां पे चेक किया वैसे ही हमने यहां पर बी को सी से कंपेयर करा लिया। जब हम इस एल्स पर पहुंचेंगे तब ए बी से बड़ा नहीं होगा, दोनों में कौन बड़ा होगा, बी। तो अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो बी इज मैक्स, अदरवाइज सी इज मैक्स, और तीनों वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, हम तीनों का इक्वलिटी चेक नहीं कर रहे, तीनों डिफरेंट है तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इसको कंपाइल और रन करते हैं, तो मैं इनपुट कर रहा हूं 358, तो आप देख सकते हो ए था 3, बी था 5 और सी था 8, तो आउटपुट में आ रहा है सी इज मैक्स, तो प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब इस प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस करना है, मतलब हम चाहते हैं कि इतने सारे इफ एल्स ना यूज करें और इसको थोड़ा रिड्यूस कर दें, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये एंड और यूज करेंगे। तो और की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम सिर्फ एंड से ही काम चलाएंगे, बट सिमिलरली आप अगर रिक्वायरमेंट है तो और को भी यूज कर सकते हैं।
तो इसको तो किया इरेज और इस तरीके से मैंने लिखा एंड। तो अगेन अब आपने ऑपरेटर वाला वीडियो देखा होगा जो कि वीडियो नंबर 4 है, और नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट ओपन करो, एक एक वीडियो सीक्वेंशियली देखो ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आए। तो जिन्होंने ऑपरेटर वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था इस एंड का यूज, कि एंड के लेफ्ट में और राइट में हम दो कंडीशन चेक करा सकते हैं, और ये ट्रू कब होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू है। तो इट मींस अब ये इफ कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ए से ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ए इज मैक्स, अगर फॉल्स है तो एल्स पर जाएंगे और एक और इफ लगाएंगे। अब यहां चेक करा लेते हैं बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। तो अगर बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अपन क्या प्रिंट कर सकते हैं, बी इज मैक्स। और अब देखो पहली कंडीशन भी फॉल्स है, मतलब ए दोनों से बड़ा नहीं है, बी भी दोनों से बड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कौन बड़ा हुआ, सी। तो लास्ट वाले प्रिंट एफ में लिख दो सी इज मैक्स। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन आप एक साथ ज्वाइन करके। तो नेस्टेड इफ को छोटा बनाने के लिए आप ये वाली चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड को रिपीट कर रहा हूं, एंड तभी ट्रू होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू है, और दोनों कंडीशन ट्रू है, एंड का रिजल्ट ट्रू है, तो इफ भी ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज हमें एल्स में जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया अगली प्रॉब्लम को। अब अपने पास दो और प्रोग्राम बचते हैं, तो पहले इसको पिक करते हैं, रीड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड फाइंड आउट हाउ मच प्रॉफिट और लॉस इज देयर। इसको तो करते हैं इरेज। सो रीड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो अब देखो आप अपने आप को इमेजिन करो एक शॉपकीपर, आप कहीं से कोई सामान खरीद कर लाए और आपको उसको सेल करना है कस्टमर्स को, तो जो सामान आप खरीद कर लाए वो तो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, और जब आप उसको किसी को सेल करोगे तो वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, और लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कम होगी, और एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट, जब दोनों इक्वल होगी कि आपने जिस प्राइस पे खरीदा उतने में बेच दिया। तो अब यहां पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सीपी एसपी एंड आर। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम, इनको स्कैन करवाते हैं। तो मैंने परसेंट डी दो बार लिखा और एम्परसेंट सीपी और एसपी, तो पहले कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और फिर सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब अपने को तीन सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है, और हमें ये बताना है प्रॉफिट हुआ, और साथ में ये भी बताना है कितना हुआ, ठीक है, और लॉस हुआ तो कितना हुआ, और नो लॉस नो प्रॉफिट एज इट इज प्रिंट होगा। तो तीन सिचुएशन है, तो मतलब इफ के लिए हम नेस्टेड इफ या एल्स इफ यूज कर सकते हैं। तो मैं इफ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, और कर्ली बेसिस को यूज नहीं करते, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको, या पहले कर्ली बेसिस का यूज बता देता हूँ और फिर कर्ली बेस हटाना भी बताऊंगा। तो पहले रिजल्ट निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो रिजल्ट आ गया जो कि प्रॉफिट है। और अब हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा प्रॉफिट इक्वल्स टू परसेंट डी एंड आर, तो ये अपना पहला ब्लॉक सॉल्व हो गया। फिर एल्स में गए, ठीक है, स्पेस लेकर एक और इफ लगाया कि कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो आप चाहो तो इसको अगली लाइन में भी लिख सकते हो, फिर से कर्ली बेसिस लगाए, रिजल्ट निकाला। अब रिजल्ट निकालेंगे सीपी माइनस एसपी, क्योंकि अब लॉस होने वाला है, लॉस इक्वल्स टू परसेंट डी आर, ठीक है। अब एल्स, तो अगर फर्स्ट कंडीशन बी फॉल्स हो जाती है, सेकंड बी फॉल्स हो जाती है, तो थर्ड केस में आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, प्रिंट एफ नो लॉस नो प्रॉफिट,
इस तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अब सपोज कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस है 200, देखो प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ 100 का, कॉस्ट प्राइस 200 और सेलिंग प्राइस 100, तो लॉस हुआ कितना 100। और अगर दोनों को सेम कर दें तो नो लॉस नो प्रॉफिट। तो हर केस में प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको रिड्यूस कैसे करें, तो हम ये वेरिएबल हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, प्रिंट एफ में इसको सॉल्व कर दो, तो ऐसा भी कर सकते हो। प्रिंट एफ में कोई कैलकुलेशन लिखोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो परसेंटी के प्लेस पे प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। इसको भी हटा दो, अब ये कर्ली बेसिस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इफ के साथ एक ही लाइन है। तो आप देख सकते हो प्रोग्राम की लेंथ कितनी रिड्यूस हो गई। तो लॉस के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी, और ये नो लॉस नो प्रॉफिट। तो देखो 15 लाइन में अपना प्रोग्राम एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कोशिश करो कि जितनी कम से कम लाइन टाइप करनी पड़े, जितने कम से कम वेरिएबल यूज करने पड़े, तो आपका प्रोग्राम एफिशिएंट माना जाए। अब लास्ट प्रोग्राम बचता है, रीड अ कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज अपर केस लोअर केस डिजिट और स्पेशल सिंबल। तो यहाँ पर ASCII वैल्यूज को यूज करेंगे। तो मैंने अपने एक वीडियो में ASCII वैल्यूज के बारे में बताया जो कि लेक्चर नंबर 6। तो अगर आपको ASCII वैल्यूज के बारे में डिटेल में स्टडी करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, लेक्चर नंबर 6। अगेन प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो चेक अपर केस लोअर केस डिजिट एंड स्पेशल सिंबल, ठीक है। तो अब यहां पर वेरिएबल होगा कैरेक्टर टाइप, प्रिंट एफ, एंटर अ कैरेक्टर, यूजर एक कैरेक्टर इनपुट करेगा, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी लिखते हैं जो कि मैंने अपने डेटा टाइप वाले वीडियो में बताया था, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम अप्लाई करेंगे ASCII वैल्यूज। तो अब यहां पर इस प्रॉब्लम को भी मैं दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, एक तो ASCII वैल्यू के थ्रू, और एक कि आपको ASCII वैल्यूज नहीं पता है तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी ASCII वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो लेक्चर नंबर 6 देखो, उसमें ASCII वैल्यूज की डिटेल्स बता रखी है, तो उससे आपको ये चीजें समझ में आती है। तो अब हम चेक करते हैं CH ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65। तो कैपिटल A का ASCII वैल्यू ये होता है 65, और Z का ASCII वैल्यू होता है 90। तो अब हम यहाँ बेसिकली कर क्या रहे हैं, CH वेरिएबल में कैरेक्टर होगा। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 में कि जो भी कैरेक्टर हम रीड करते हैं, ठीक है, जो भी कैरेक्टर रीड करते हैं या कैरेक्टर वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर अवेलेबल होता है, जब उसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं तो वो अपने आप इंटरनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ASCII वैल्यू। तो अपर केस का रेंज होता है 65 टू 90, कैपिटल A 65, कैपिटल Z 90, और बीच वाले जो कैरेक्टर है वो एक एक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर CH में कोई कैरेक्टर है और उसका ASCII वैल्यू 65 या उससे ज्यादा है और 90 या उससे कम है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, अपर केस लेटर। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम गए else पर और एक और if अप्लाई किया, वहां लिखा CH greater than equals to 97 and CH less than equals to 122। तो ये लोअर केस का रेंज होता है, तो यहां पर हम प्रिंट कर सकते हैं लोअर केस लेटर। अगर ये भी फॉल्स होता है तो अब हम चेक करेंगे डिजिट के लिए, तो उसका रेंज होता है 48 to 57। तो प्रिंट किया डिजिट, और कुछ भी मैच नहीं करता तो फाइनली वो क्या होगा, स्पेशल सिंबल। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ ASCII वैल्यूज की हेल्प से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल होगा उसमें जो भी कैरेक्टर है वो इंटरनली ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो किस कैटेगरी में लाई करता है। तो इसको रन करते हैं, सॉरी कंपाइल एंड रन, कैरेक्टर एंटर किया कैपिटल A, तो देखो अपर केस लेटर, ठीक है। फिर से रन करते हैं, इस बार मैं एंटर कर रहा हूँ डॉलर, तो ये प्रिंट कर रहा है स्पेशल सिंबल, इट मींस ये हर केस में प्रॉपरली रन करेगा। अब आपको ASCII वैल्यूज का रेंज नहीं पता,
और फिर भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप 65 के जगह क्या लिख दो, सिंगल कोट्स में कैपिटल ए और सिंगल कोट्स में कैपिटल जेड, 97 की जगह स्मॉल ए सिंगल कोट्स में और स्मॉल जेड सिंगल कोट्स, 48 की जगह जीरो सिंगल कोट्स में और 9 सिंगल कोट्स में। तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला, जब भी हम कैरेक्टर वेरिएबल या कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंटरनली कैलकुलेशन उन ASCII वैल्यू जो कि नंबर फॉर्म होती है उनके बेसिस पर होती है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप रन करेंगे तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैंने एंटर किया 5, तो देखो ये बता रहा है डिजिट कि जो नंबर हमने इनपुट किया वो एक डिजिट है। तो इस तरीके से आप अगर ASCII वैल्यू के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 6, और अगर आपको पता है तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हम कैरेक्टर वेरिएबल या कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करते हैं तो वो इंटरनली अपनी ASCII वैल्यू के बेसिस पे काम करते हैं। तो ये एल्स इफ लैडर के थ्रू मैंने प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, हर इफ के साथ और एल्स इफ के साथ एक ही लाइन है जो हमें प्रिंट करानी है, तो इसलिए कर्ली ब्रेसेस को यूज नहीं किया। तो आई होप इस तरीके से आपको लेक्चर नंबर 7 वाले वीडियो से और लेक्चर नंबर 8 जो अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, दोनों वीडियो के थ्रू कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें सिंपल इफ जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और एल्स इफ वो समझ में आया होगा, और नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर को कैसे यूज करते हैं। तो अब आपके दोनों वीडियो के कंप्लीशन के बाद आपको कंडीशनल स्टेटमेंट प्रॉपरली आ गया, और मैंने जितने भी प्रोग्राम एक्सप्लेन किए हैं प्रैक्टिकली आपको बताएं वो सब अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करो ताकि आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आए। और अगर मुझसे और क्लासेस लेना चाहते हो और कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मेरी डिटेल्स हैं। सो आई होप कि आप ये जो वीडियो सीरीज मैंने बनाई है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आपके कोई भी सजेशंस हैं तो कमेंट करिएगा ताकि मैं और डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। सो आई होप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।